आप सभी को जय मसीह की प्रभु आप सबको आशीष दे। और सुखपाल राणा मिनिस्ट्री के तरफ से एक 10 किलोमीटर कैंडल मार्च निकाला गया, जिस प्रकार से मसीह लोग के ऊपर सताव मणिपुर में हुआ, जो स्त्री के साथ जो है कि गलत काम हुआ और उसके साथ जो कुछ भी आया वो बहुत ही दर्दनाक घटना है। और एक मसीह समाज के ऊपर जिस प्रकार से सताव हो रहा है उसके ऊपर जो है कि एक कैंडल मार्च निकाला गया और बहुत ही शांतिपूर्वक और सरकार के खिलाफ कि इसके ऊपर एक्शन ले। और जो भी मसीह लोग के ऊपर सता हो रहा है, जो लोग मसीह लोग प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उसके बावजूद भी उनके ऊपर सता हो रहा है, उस सताव को बंद करने के लिए एक कैंडल यात्रा निकाला गया। और पूरे पंजाब में लाखों लोग का भीड़ देख सकते हैं और एक बहुत ही पावरफुल मैसेज प्रभु के दास भी बोले हैं और उस मैसेज को आइए सुनते हैं हम लोग। सुनो सारे, तो असि जानते हैं कि जिवें मैं खुदा दे दास हां, तो अज ये शुरुआत जिहड़ी आपां कीती आ मणिपुर दे लई, जिहड़े असि सड़कां ते आए हां, हना हो सकदा बहुत सारे जिहड़े सेवक ने मिनिस्ट्रियां दे अपोस्टल्स ने या सेवादार ने, मैं इसलिए आया ताकि वो भी ये समझन कि अपने लोगों का पेन की है, दर्द की है ना। इसलिए मैं खुद 10 किलोमीटर असं 10 किलोमीटर पैदल यात्रा करके सरकारां तक जिहड़ियां सुत्तियां ने, क्योंकि जिहड़ा इंसानियत का कान आ, जिहड़ा इंसानियत दे नाल बेइंसाफी है, असं जानते हैं कि सब धर्म बाद विच ने, सब तो पहला की है इंसानियत है, धर्म तो इंसाना ने बनाई नहीं, इतने बनी नहीं, लेकिन सब तो पहले की है इंसानियत। और जिन्होंने अंदर इंसानियत नहीं है वह कौन होंगे ने, हैवान होंगे ने। तो इस करके असं अपनी आवाज को सरकार तक पहुँचाने लिए आए हैं। मैं अपनी मिनिस्ट्री के कलीसिया के नाल हजारा की गिनती में इसलिए आया ताकि आवाज सिर्फ इकली सरकार तक नहीं, साडे लोगों तक भी जाए, जो साडे बाकी मिनिस्ट्रिया ने चर्चिस ने वह भी एक मन हो जाए। इस तरह ही असं इकट्ठे होके आने वाले दिनों में, यह तो एक छोटी जी शुरुआत है, आने वाले दिनों में असं लखां ते करोड़ों की तादाद में एक मन होके सड़कां ते आ जावांगे। चीज रोकी ना गई थी, अगर सरकार ने ये तो ध्यान ना दिता, अगर सरकार ने इस चीज न रोकिया ना, क्योंकि हमेशा असं जानते हैं कि अगर अज मसीहा उत्ते लगातार पूरे इंडिया दे विच अत्याचार हो रहा है, लगातार अत्याचार हो रहा है, और मसीह लोगों ने अज तक भी बदले विच किसे दा नुकसान नहीं किया, किसे दा कोई भी धार्मिक स्थान नहीं तोड़िया, अना कि तुसीं साडा को तोड़िया आओ असीं तुहाडा तोड़िए। असीं हमेशा उन्हां नूं प्रेम दे नाल उन्हां लई प्रार्थना कीतियां, दुआवां कीतियां, क्योंकि सानूं वचन कहिंदा है कि सारिआं दा भला मंगो। एक दुनिया दे विच इक्को ही धर्म आ जिहड़ा शांति पूर्वक नूं शांति नूं फैलाउण वाला है। हालेलुया, पूरी गल दुनिया नहीं जानती है कि इहो ही एक धर्म आ जिहनूं लोक धर्म कहिंदे, असीं तैनूं सच दा रस्ता कहिंदे आ, पर असीं कहिंदे आ कि जे दुनिया दे मुताबिक इह धर्म आ ते दुनिया दे मुताबिक इक्को ही धर्म आ जिहड़ा पूरी दुनिया दे अंदर शांति फैलाउंदा। अज तक भी इन्ना परसीक्यूशन, इन्ना अत्याचार होने के बावजूद भी अज तक किसी का जानी मान या उन्होंने मारना या उन्होंने भी प्रति सेम एक्शन करना, इदा दी चीजा अज तक प्रभु के लोगों ने नहीं कीतियां। लेकिन यह साड़ी जिहड़ी शांति की आवाज है, अज जिहड़ा साड़ा कैंडल मार्च सी, यह सरकारां तक आवाज पहुंचाउण लई, ते खास करके असीं पूरे अपने लोगों नूं भी जागृत करते हैं कि वह भी खड़े होण, एक मन होण, ताकि असीं इस तरह ही अगर ये रोकया नहीं गया तो यह तो कुछ भी नहीं है, फिर उस तो भी वड्डे पद्धर नाल असीं गया वांगे। मेरा विश्वास है कि अज दा ये साडा शांति मार्च, शांति दा प्रदर्शन हर उस इंसान तक जा चुका, लोगों नूं पता। वैसे भी इस जिहड़ी इन्नी गंदी घटना मणिपुर दे विच हुई है, हर धर्म ने उहदा विरोध कीता सी, उहनां दा धन्नवाद करदे आ, और साडा अज दा इकट्ठे होण दा यही मकसद सी। परमेश्वर तुहानू सारिआं नूं बरकत दे, इसे तरह असीं वादा करदे आं सारिआं नूं शांति मिले, जो तुसीं इह प्रभु लई कीता, प्रभु दे लोकां लई अगे आए, इहदा फल तुहानू निश्चय मिलेगा।
दोस्तों आप लोगों ने देखा किस प्रकार से प्रभु के दास एक बहुत ही पावरफुल मैसेज दिए, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार के पास ये वीडियो पहुँचे और जो भी सतावर और सताव को बंद किया जाए। मेरे प्रियो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रभु आपको और आपके पूरे परिवार को आशीष।